बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। मिथिलांचल के कई इलाकों में पानी आ जाने से अब आवश्यक सेवाएं भी बाधित होने लगी हैं। दरभंगा समस्तीपुर के बीच ट्रेन सेवा तत्काल बंद कर दिया गया है। बाढ़ के चलते कमला नदी उफान पर है, जिसके चलते हायाघाट और थलवारा के बीच रेल पुल पर पानी चढ़ गया है। रेलवे प्रशासन ने एहतियातन दरभंगा समस्तीपुर के बीच रेल रूट को बंद कर दिया है। दरभंगा व जयनगर स्टेशन से खुलने वाली कई गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, जिसकी सूचना पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न ने दे दी है। लगातार हो रही भीषण बारिश से हायाघाट स्टेशन के अंदर भी बारिश का पानी जमा हो गया है। अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जो परिवर्तित मार्ग से चल रही है। पहली ट्रेन है ट्रेन संख्या 04649 जयनगर अमृतसर के बीच चलने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस। ये ट्रेन दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बदले दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी। दूसरी ट्रेन है ट्रेन संख्या 02565 दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये ट्रेन दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बदले दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी। तीसरी ट्रेन है ट्रेन संख्या 01062 दरभंगा एवं मुंबई के बीच चलने वाली दरभंगा लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस। ये ट्रेन दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के बदले दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और YouTube चैनल अपना रेल को सब्सक्राइब करें।